you're dry. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. आलू है ये फ्रेंड, यहाँ पे मैं लहसुन मिर्च और नमक को पीस लेती हूँ कुंडी सोटे की हेल्प से फ्रेंड। यहाँ पे मैं आलू को कुंडी सोटे में मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड, तो मैं इनको पतला पतला कर लूँगी बारीक बारीक सा जो इनकी। यहाँ पे आ गया था डॉगी, ये रोज़ आता रहता है क्योंकि मैं इसे खाना खिलाती हूँ, इसे पता ही यहीं खाना मिलेगा, तो मैंने इसे सिवई खिला दी थी क्योंकि एक रोटी थी वो दे दी थी तो सिवई खिला दी थी। ये जो खाएगा खाना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो, हार्डवर कविता ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हो, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे एंड बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे फ्रेंड। जैसे हम हाउस वाइफ रहती है तो सारे ही सारे कुछ ना कुछ काम रहता है ये घर में। तो आज बारिश आई थी तो शाम के टाइम बनाए थे हमने आलू के पराठे फ्रेंड, आलू के पराठे खा लिए हमने। और हस्बैंड की हो रही थी बाइक खराब, 3-4 दिन हो गए हैं तो वो ड्यूटी भी ना अपने फ्रेंड की बाइक लेके गए, जा रहे थे 2-3 दिन से, तो आज मिली है उनकी बाइक तो अपनी बाइक लेने गए हैं। आज बारिश आ रही है तो अपने बाइक से तो जाएंगे नहीं, गाड़ी से जाएंगे। तो फिर बाइक फ़ोन आ गया था मिस्त्री का तो बाइक लेने चले गए हैं। तो बस सारा काम निपट गया, मेरे बर्तन धुल गया और इनका पानी लगा दिया मैंने गर्म, केसू खेल रही हूँ पानी में। हाँ बेटा, ये कल है मेला तो मेला जाए, दूध भी पिएगा अभी से ही नहीं पीते है बड़े बच्चे, पिएगा बीजे तो नहीं, बिस्तर बिछा दो तेरा पहले है, नहीं बिछाना बिस्तर है यीशु याशन, इनको बोल दो हाय कैसे हो, बाय हाय और बाय देख लो, शैतान पूछी है मेरी शैतान पूछी, बाय बाय कर रहे हो, बाय हूँ नहीं, क्या खाया मेरे बेटे ने, आलू का पराठा और दही सीध, पेट भर गया और खाओगे, ठीक है और खिला देने के लिए नहीं खाओगे, पेट भर रखा इसका है ना केशव, और खाएगा ठीक है, भी खिला देने बेटे को। तो ये भी ना अपने पेट में दर्द बताती है केशु, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो गया बता दो इनको भी, कहाँ पे हो रहा पेट में दर्द, यहाँ पे रोज बताती है रोज, तो एक दिन ऐसा नहीं जाता मम्मा के भी, मम्मा के नहीं होता, मम्मा मम्मा के दादी के भी बहुत शैतान है, लड़ लड्डू तेरे होता है, हाँ केशु के होता है, क्या पेट दर्द, खड़ो जो खड़ो जो, पैर फंसी पेड़ पट्टी और पैर फंस गया, चोट लगी, खड़ो जो बेटा, मुँह में बिछा बिछाइए खड़ो बेटा, नहीं हो तो हटिए बेटा,
और जब बिस्तर बिछा दूँ, बिस्तर बिछाऊंगी अब नहीं बिछाना, कहाँ सोगे फिर? तो यहाँ पे देखे थे केशु ब्लॉग, मतलब केशु का ब्लॉग चला जाता है कंप्यूटर में, आप देख सकते हो। ब्लॉग चला देता तो केशु देख रही थी। हाँ बेटा, पापा आ गया, पापा के दादा आ गया, देख खड़ो जल्दी, पापा खड़ो खड़ो, पापा पाई की आवाज़ आई है तो देखना जा रही है केशु। आज जब बारिश आई थी ना तो फ्रेंड मुझे पता ही नहीं चला था, तो ये हमारी जो खिड़की है ना तो यहाँ से पता चल जाता, थोड़ा बाहर का मौसम एकदम से वो अंधेरा सा छा गया था। तो केशु सो रही थी, मैं भी लेटी हुई थी, तो मैंने देखा मेरे को बाहर देखती हूँ एक बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। फटाफट उठी, सारे कपड़े मशीन वगैरह अंदर खरी थी, वॉशिंग मशीन बाहर थी, तो तब तो मेरे कपड़े भीग गए थे। मैंने सूट पहना था पीला वाला सूट, तब मैंने सुखाने रख दिया थोड़ी देर के लिए, पहना था कि फ्रेश ही कपड़े रखे मेरे, कल करूँगी क्योंकि पता नहीं तीन चार दिन हो गए हाथों में सब पेन हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने किसी को बिस्तर बिछा दिया, आप देख सकते हो। तब ये नहाने गए हैं, 8 बज रहे हैं, फिर मैं खाना पूरा सारा पैक कर दिया, मैंने दूध रख दिया, दूध पीने का ना मन भी नहीं करता, रखे रहता है बाद में, तो ये है हमारे लड्डू गोपाल। तो मैं इसे मम्मी वाले कमरे में बैठाऊंगी क्योंकि मम्मी वाले कमरे में मम्मी के वहीं सोते हैं ऊपर पे बिठा के खाट में। तो ये हमारे लड्डू गोपाल। तो फ्रेंड ये आलू का भोग लगाया था, आलू के पराठे का और दूध का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कृष्णा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं ना जब भी ड्रेस बनाती हूँ ना, मेरी खासियत है मैं ना ऐसी ड्रेस फैला देती हूँ क्योंकि अच्छा लुक आता है ना फ्रेंड, उस वजह से। तो हमारे कृष्णा जी देख सकते हो, आपको जो भी विश मांगनी हो मांग सकते हो फ्रेंड इनसे, तो ये सबकी विशेष भी पूरी करते हैं। मेरी चप्पल फिसल दी है, तो नई चप्पल रखी हुई थी इनकी, ये वाली मैंने, ये भी नई थी, मगर ये चप्पल ना बहुत तोड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो इसमें सिलाई मार के इतने दिन चला दी है, तो नई चप्पल मैंने निकाल दी है, तो ये पहन के जाएंगे, वो बारिश आ रही है ना फिसल जाएंगे पैर। लो पानी पी लो। गांधी जी के चार बंदर, एक बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो देख सकते हो। तो ये मैंने करा था इनको बर्थडे पे गिफ्ट, तो कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड ये गांधी जी के चार बंदर, तो बहुत अच्छा होता है इनको रखना,